जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पिछले कुछ लेक्चर से चर्चा कर रहे थे। हमारा विषय दोस्तों चल रहा है चर्चा का, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक हमारी चर्चा का विषय है पिछले एक दो लेक्चर से, उसका नाम है राजस्थानी भाषा बोलियां एवं साहित्य। पिछले दो लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों हमने राजस्थान की भाषा का विकास कैसे हुआ है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, और इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने राजस्थान की बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो होना चाहिए राजस्थान का साहित्य, लेकिन राजस्थान के साहित्य में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ आती हैं जो आपको समझने में मुश्किल हो सकती है। जैसे कुछ बार शब्द लिखा आ सकते हैं रासो, कई बार शब्द लिखा आ सकते हैं दोस्तों वचनिका, कई बार शब्द लिखा आ सकता है ख्यात। इस प्रकार की अनेक सारी शब्दावलियाँ आपको राजस्थानी भाषा साहित्य में देखने को मिलती है। तो मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर ये सोचा है दोस्तों कि क्यों ना हम राजस्थानी साहित्य की चर्चा करने से पहले इन शब्दावलियों की चर्चा कर लें, ताकि आपको जब राजस्थानी भाषा के अंदर जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में जब हम चर्चा करें तो उसमें कोई भी ऐसा शब्द आए जैसे रासो, विगत, वचनिका, तो उसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी हो कि वचनिका का अर्थ क्या है, ख्यात का अर्थ क्या है, रासों का अर्थ क्या है। इस वजह से दोस्तों ये जो लेक्चर है इसमें हम राजस्थानी भाषा साहित्य के अंतर्गत जिन शब्दावलियों का प्रयोग बहुतायात से होता है उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों शब्दावलियां। पहली शब्दावली हम ले रहे हैं दोस्तों मेरी चर्चा की कक्का, या नाम भी कक्का। कक्का किसे कहा जाता है? ऐसी रचनाएं जो कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से जो रचनाएं प्रारंभ होती है दोस्तों उनको कहा जाता है कक्का। यानी कि कक्का हम कह सकते हैं वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से जब कोई रचना प्रारंभ होती है तो उसे कहा जाता है कक्का। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से जब कोई रचना प्रारंभ होती है तो उसे कहा जाता है कक्का। यानी कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से जब कोई रचना प्रारंभ होती है तब उसे कक्का कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों है ख्यात। ख्यात का अर्थ क्या होता है? सामान्य सा दृष्टिकोण है दोस्तों, ख्यात शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है, और ख्यात का हम अर्थ हम बता सकते हैं ख्याति युक्त, विख्यात, कीर्ति आदि शब्द हम ख्यात से संबंधित जोड़ सकते हैं। ख्यात के अंतर्गत दोस्तों विशिष्ट वंश या फिर किसी विशिष्ट वंश के पुरुष या फिर पुरुषों की उपलब्धियों आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है, या तो कोई इसमें वंश का वर्णन मिलेगा आपको, या फिर वंश के अलावा दोस्तों कोई किसी वंश का जो कोई पुरुष हो, मतलब कोई वंश का कोई व्यक्ति हो जिसकी अनेक सारी उपलब्धियां रही हो उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ख्यात का बेसिकली अर्थ होता है ख्याति युक्त या फिर कीर्ति युक्त। इसमें किसी वंश या फिर वंश के पुरुष की उपलब्धियों आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है, किसी वंश या फिर वंश की उपलब्धियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जो ख्यात है, ख्यात का नामकरण तीन प्रकार से हो सकता है, मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार से हो सकता है। या तो वंश के आधार पर हो सकता है, राज्य के आधार पर हो सकता है, या फिर लेखक के आधार पर भी हो सकता है। वंश के आधार पर दोस्तों ख्यात का नामकरण हो सकता है, इसके अलावा राज्य के आधार पर हो सकता है, राज्य या फिर रियासत के आधार पर, लेखक के आधार पर भी ख्यात का नाम हो सकता है। जैसे वंश के आधार पर राठौड़ारी ख्यात। अब ये जो राठौड़ारी ख्यात है तो ये वंश से ही तो निकला है। राठौड़ क्या है? वंश है। राज्य से जैसे मारवाड़ राज्य ख्यात। लेखक के नाम के आधार से जैसे दोस्तों दयाल दासरी ख्यात, बाकी दासरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात, है ना, जैसे नैणसिरी ख्यात,
नैनसीरी ख्यात। तो ये क्या है दोस्तों, ये यानी कि ख्यात का अर्थ मोटे मोटे तौर पे क्या हो गया, किसी वंश या फिर किसी वंश में जन्मे किसी व्यक्ति पुरुष के बारे में जब उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है तब इसे कहा जाता है दोस्तों ख्यात। ख्यात का नामकरण वंश के आधार पर हो सकता है, राज्य के आधार पर हो सकता है और लेखक के आधार पर हो सकता है, जैसा कि हमने इन तीन उदाहरणों में समझने की भी कोशिश की है दोस्तों। जो ख्यात होती है, ख्यात दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है संलग्न ख्यात, एक तो होती है संलग्न ख्यात और एक होती है बात संग्रह। एक तो होती है संलग्न ख्यात और एक होती है बात संग्रह। संलग्न ख्यात और बात संग्रह में क्या अंतर है, ऐसी ख्यात जिसमें इतिहास क्रमानुसार मिलता है, यानी इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, यानी इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उस ख्यात को कहा जाता है दोस्तों संलग्न ख्यात। जबकि ऐसी ख्यात जिसमें इतिहास क्रमबद्ध तरीके से नहीं मिलकर बल्कि छोटी मोटी घटनाओं के वर्णन के रूप में इतिहास देखने को हमें मिले, तब उसे कहा जाता है दोस्तों बात संग्रह। अब इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, संलग्न ख्यात का उदाहरण है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी जो ख्यात है वो संलग्न ख्यात का उदाहरण है, जबकि बात संग्रह का उदाहरण है दोस्तों नैनसीरी ख्यात। इसके अलावा बाकी दासरी ख्यात संलग्न बात संग्रह ख्यात का उदाहरण है। तो ये ख्यात के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब जब भी आपके, जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तब वहाँ पर अगर ख्यात शब्द का प्रयोग होता है तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ख्यात का अर्थ क्या होता है। ये मैंने लंबी चर्चा ख्यात के बारे में कर ली है। उसके बाद में दोस्तों झमाल क्या है, झमाल दोस्तों जो झमाल है ये राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद इसे माना जाता है। झमाल को राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद माना जाता है, मात्रिक छंद इसे माना जाता है। इसमें क्या होता है, पहले पूरा दोहा बोला जाता है, फिर उसके बाद में दोहे की पुनरावृत्ति होती है, फिर मात्राओं के साथ दोहे की पुनरावृत्ति होती है। सिन्हावलोकन विधि से इस काव्य को पढ़ा जाता है और इस काव्य को क्या कहा जाता है, झमाल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राव इंद्र सिंगरी झमाल ये इसका उदाहरण हो गया आपने। तो झमाल क्या है दोस्तों, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। उसके बाद में एक है झूलना भी दोस्तों राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झूलना भी क्या है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, झूलना भी है ना। और इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं अमर सिंह राठौड़ रा झूलना। एक मैं केवल आपको दोस्तों उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो ज्यादा समस्या की कोई दिक्कत नहीं। इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य केवल यह है दोस्तों कि जो भाषा साहित्य में जो शब्दावलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं अमूमन मोटे मोटे तौर पर, उन शब्दावलियों से आपको कम से कम परिचित हो जाए, ताकि जब इन शब्दों का इस्तेमाल हो तो आपके दिमाग में एक प्रतिबिंब तो बने कि इसका अर्थ क्या है आखिरकार। बस इस लेक्चर का उद्देश्य ये है। उसके बाद में दोस्तों कुछ और शब्दावलियों की चर्चा हम करना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारी शब्दावलियां हैं लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं जब हम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनमें जिन जिन शब्दावलियों का ज़्यादा प्रयोग होता है उनकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों जैसे टब्बा, एक शब्द देखने को मिलता है आपको टब्बा और एक मिलता है बालावबोध। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मूल रचनाओं को समझाने के लिए किनारे पर जो स्पष्टीकरण लिखा होता है उसे तो कहा जाता है टब्बा, संक्षिप्त स्पष्टीकरण को। लेकिन जब ये स्पष्टीकरण संक्षिप्त नहीं होकर विस्तृत होता है तब इसे कहा जाता है बालावबोध। यानी कि मूल रचना को समझाने के लिए या फिर मूल रचना के स्पष्टीकरण के लिए
किनारों पर जो टिप्पणियां लिखी होती है उसे कहा जाता है टब्बा। और ये अगर टिप्पणियां संक्षिप्त नहीं होकर थोड़ी विस्तार में है तब इनको कहा जाता है दोस्तों बालावर बोध। इसके बाद में नेक्स्ट है अपनी दवावेद। दवावेद का अर्थ है दोस्तों गद्य और पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं दवावेद कहलाती है। गद्य और पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं दवावेद कहलाती है। गद्य एवं पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं क्या कहलाती है? दवावेद कहलाती है। तुकांत रचनाएं दवावेद कहलाती है। गद्य और पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं दवावेद कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजा जयसिंह री दवावेद। दवावेद का अर्थ आपको समझ में आ गया क्या हो गया? गद्य और पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं क्या कहलाती है? दवावेद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल राजा जयसिंह री दवावेद। उसके बाद में अगला है दोस्तों अपना दुहा। क्या है दुहा? दुहा के बारे में तो समझाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। जो दोहे बोले जाते हैं उनको दुहा कहा जाता है। जो दोहे बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? दुहा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कानड़ दे सोनिग्रे रा दुहा। कानड़ दे सोनिग्रे रा दुहा। इसके बाद में दोस्तों धमाल। धमाल धमाल का अर्थ है दोस्तों होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धमाल कहा जाता है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहा जाता है। दुहा क्या है? दोहे जो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं वही दोहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कानड़ दे सोनिग्रे रा दुहा, ये इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है अपनी चर्चा का विषय दोस्तों पर्ची। क्या है इसके बाद में? पर्ची। पर्ची का अर्थ क्या होता है? संत महात्माओं के जीवन, संत महात्माओं का जो जीवन परिचय कराने वाली रचनाएं होती है उनको पर्ची कहा जाता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय कराने वाली, संत महात्माओं को जीवन परिचय कराने वाली जो रचनाएं होती है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्ची कहा जाता है। इनमें संत महात्माओं का नाम लिखा होता है, जाति लिखी होती है, जन्म स्थान लिखा होता है, उनके माता पिता का नाम लिखा होता है, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल संत रैदास की पर्ची इसका उदाहरण भी है। यानी कि पर्ची का अर्थ हम लिख सकते हैं दोस्तों संत महात्माओं का जीवन परिचय। संत महात्माओं का जीवन परिचय इसमें होता है जिसमें संत महात्माओं का नाम, जाति, वंश, माता पिता, उपलब्धियां आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर दोस्तों संत रैदास की पर्ची। अभी संत रैदास की पर्ची में क्या मिलेगा आपको? संत रैदास के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जन्म कहाँ पर हुआ, नाम क्या था इनके बचपन का, रविदास था जैसे इनके बचपन का नाम, इनकी उपलब्धियां क्या है, माता पिता का नाम क्या है, सारी जानकारियां इसमें मिल जाएगी। तो पर्ची का अर्थ ये होता है जो मैंने आपके साथ साझा कर चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों प्रकाश। क्या है प्यारे दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है दोस्तों किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। किसी वंश या फिर व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या फिर घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों इसमें किसी वंश या फिर व्यक्ति विशेष, किसी वंश या फिर व्यक्ति विशेष के इतिहास, उसकी उपलब्धियों आदि पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं प्रकाश कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पाबू प्रकाश है। पाबू प्रकाश किसने लिखा दोस्तों? पाबू प्रकाश आशा मौर्या ने लिखा है। आशा मौर्या के द्वारा लिखा गया, आशा मौर्या के द्वारा जो पाबू प्रकाश लिखा गया वो प्रकाश का ही उदाहरण है।
उसके बाद में दोस्तों एक शब्द आपको बहुत सारी बार देखने को मिलता है, उसका नाम है प्रशस्ति। क्या नाम है? प्रशस्ति। प्रशस्ति के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जिंदगी एक सफर है, क्या हो प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी वंश के शासक की उपलब्धियों के बारे में प्रशंसा युक्त वर्णन मिलता है, यानी कि किसी वंश के शासक के बारे में प्रशंसा युक्त वर्णन मिलता है। उस शासक की वीरता के बारे में बताया जाता है, कीर्ति के बारे में बताया जाता है, युद्धों के बारे में बताया जाता है, निर्माण कार्यों के बारे में बताया जाता है, आदि सारी जानकारी किसमें होती है? प्रशस्ति में होती है। हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि मेवाड़ रियासत में प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्राचीन रही है। इसी वजह से हम मेवाड़ रियासत में जैसे महाराणा कुंभ ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना करवाई थी, उसका जिक्र भी हम करते हैं। महाराणा राज सिंह के द्वारा राज सिंह प्रशस्ति की रचना करवाई गई थी राजसमंद झील पर, उसकी चर्चा भी हमने राजस्थान इतिहास में की थी दोस्तों। बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति की रचना करवाई गई। ये सभी क्या है? प्रशस्तियां है। और प्रशस्ति में किस बात का वर्णन मिलता है? किसी शासक की वीरता, बहादुरी, शौर्य, पराक्रम, उसके युद्ध अभियान, उसने के निर्माण कार्य, वंश क्रम आदि सभी का उल्लेख इसमें हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट में उदाहरण लिख देता हूँ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या अर्थ बताया दोस्तों मैंने प्रशस्ति का? किसी शासक या फिर किसी राजा की वीरता, शौर्य, युद्ध अभियान, निर्माण कार्य, यानी कि उसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, निर्माण कार्य, किसी शासक की वीरता, शौर्य, युद्ध अभियान, निर्माण कार्य, वंश क्रम आदि की जानकारी किससे मिलती है? वो प्रशस्ति के माध्यम से मिलती है। मेवाड़ रियासत में प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाने की परंपरा रही है, और उसके समानांतर अन्य रियासतों में भी प्रशस्तियों की रचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में दोस्तों बही। बही का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार का जो बनावट का रजिस्टर होता है, जिसमें इतिहास के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती है, प्रमाणिक जानकारियां मिलती है, उसे कहा जाता है बही। यानी कि विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर, विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर, विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर जो होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बही कहते हैं। इतिहास से संबंधित अनेक सारी जानकारियां मिलती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल पाबुदानरी बही इसका उदाहरण हो गया, ठीक है, प्रशस्ति बही। इसके बाद में दोस्तों हमारी चर्चा है बात। बात का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास प्रसिद्ध पात्रों, पौराणिक आख्यानों को लेकर अनेक सारी जनश्रुतियां आमजन में प्रचलित रहती है, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बात कहा जाता है। बात का अर्थ है दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व आदि, इनके बारे में जनश्रुति यानी कि आमजन में जो बातें प्रचलन में रहती है, जैसे आज के समय में जो बातें प्रचलन में है उनको हम नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे तो उनके बीच में भी वो बातें प्रचलन में रहेंगी। यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में जनश्रुति यानी कि आम जन में जो बातें प्रचलन में रहती हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसे कहा जाता है बात। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों राणा प्रतापरी बात। उसके बाद में दोस्तों बारहमासा का अर्थ होता है दोस्तों जब कवि द्वारा प्रत्येक माह की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है तो इसे बारहमासा कहा जाता है। जब कवि के द्वारा वर्ष के प्रत्येक माह की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है तो इसे बारहमासा कहा जाता है। इसमें रचनाएं लिखी जाती है। सामान्यतः जो बारहमासा आषाढ़ से प्रारंभ माना जाता है, यानी कि आषाढ़ के महीने से बारहमासा लिखने की परंपरा रही है, तो इसको
मैंने बोल दिया लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी लेक्चर की। अभी देखते हैं कितनी हुई है, 20 मिनट की हुई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मर्सिया इधर लिख देते हैं, मर्सिया 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 का अर्थ होता है दोस्तों शोक काव्य। क्या होता है मर्सिया का अर्थ? शोक काव्य, यानी कि राजा महाराजाओं के मरने पर जो रचनाएं लिखी जाती थी, शोक संतृप्त होकर जो रचनाएं लिखी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? मर्सिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राणे जगपत राव मर्सिया, राणा जगपत राव मर्सिया। जब महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हुई थी तब ये मर्सिया लिखा गया, जिसका क्या नाम है दोस्तों? राणे जगपत राव मर्सिया, जो कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के उपरांत लिखा गया। यानी कि किसी शासक की मृत्यु या किसी राजा की मृत्यु होने के पश्चात कवियों के द्वारा जो शोक संतृप्त होकर यानी कि शोक की अभिव्यक्ति करने के लिए जो रचनाएं लिखी जाती है उनको मर्सिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राणे जगपत राव मर्सिया, जो कि महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात लिखा गया था। इसके बाद में दोस्तों अपना महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्व, हटाई देता हूँ थोड़ा राजस्व, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि राजस्व शब्द आपको बहुत सारी बार देखने को मिलेगा। तो राजस्व का अर्थ क्या होता है इसका हम इसको हम चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं दोस्तों। जब जब किसी ग्रंथ में किसी राजा या फिर किसी शासक की वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध अभियान, उसकी उपलब्धियों आदि का वर्णन मिलता है तब इसे राजस्व कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं, जब किसी ग्रंथ में दोस्तों किसी शासक या फिर किसी राजा की वीरता, पराक्रम, युद्ध अभियान, युद्ध आदि, उसकी कीर्ति, विजय, यानी कौन कौन सी युद्धों में विजय रहा, इसकी ये सब चीजें मिलती हैं किसी वंश के शासक के बारे में, किसी वंश के शासक के बारे में दोस्तों, उसकी वीरता, पराक्रम, युद्ध, कीर्ति, विजय आदि के बारे में जब विस्तृत रचना मिलती है तब उसे कहा जाता है राजस्व। क्या कहा जाता है उसे? राजस्व कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों ये जो राजस्व होता है इसमें जिस शासक की चर्चा की जा रही है उसके बारे में थोड़ी अतिशोक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर उसको पेश किया जाता है। बावजूद इसके जो राजस्व है वो हमें इतिहास की जानकारी देने वाले प्रामाणिक स्रोत भी माने जाते हैं। क्या बोला मैंने? इनमें अतिशोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर बात कहने का रिवाज है राजस्व में, बावजूद इसके हमें इनसे इतिहास के बारे में अनेक सारी जानकारियां मिलती है। जैसे पृथ्वीराज राजस्व है जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा है, और अभी पिक्चर आई है अक्षय कुमार की, क्या नाम है उसका? सम्राट पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज राजस्व पर ही तो लिखी गई है। तो कुछ राजस्व का जिक्र हम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे पृथ्वीराज राजस्व के बारे में तो कई जिक्र करे भी लिख लेते हैं। पृथ्वीराज राजस्व किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना चंद्र बरदाई ने की थी, इसकी रचना चंद्र बरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई। विसलदेव राजस्व किसने की? विसलदेव राजस्व की रचना नरपति नालह ने की, नरपति नालह के द्वारा विसलदेव राजस्व की रचना की गई। हम्मीर राजस्व की रचना दोस्तों जोधराज के द्वारा की गई। हालांकि हम्मीर राजस्व की रचना जोधराज के अलावा सारंगधर तथा महेश के द्वारा भी की गई थी। क्यामखा राजस्व जिसकी रचना दोस्तों जान कवि के द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों कुमान राजस्व की रचना दौलत विजय के द्वारा की गई। तो राजस्व का प्रयोग बहुत सारी बार होने वाला है राजस्थानी साहित्य में, इस वजह से एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। राजस्व का अर्थ होता है दोस्तों जब किसी ग्रंथ में किसी शासक के बारे में, किसी राजा के बारे में उसकी वीरता, पराक्रम, बहादुरी, युद्ध, विजय आदि का उल्लेख मिलता है तब इसे राजस्व कहा जाता है।
रासों में भले ही अतिशयोक्ति का प्रयोग होता हो, यानी कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने का रिवाज हो, बावजूद इसके रासों हमें इतिहास की प्रमाणिक जानकारियां भी उपलब्ध करवाते हैं। रासों के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, बिसलदेव रासो है, क्यामखा रासो है, कुमार रासो है, जिनकी रचनाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई। तो इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी रखनी है दोस्तों। इसके बाद में हमारी चर्चा है दोस्तों रूपक। क्या है हमारी चर्चा? रूपक। रूपक का अर्थ होता है दोस्तों किसी वंश या उस वंश की किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन जिसमें मिलता है उसे रूपक भी कहा जाता है। हालांकि और भी इनके लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको रूपक भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? रूपक, यानी कि किसी वंश के बारे में जानकारी मिल सकती है, या फिर किसी वंश का जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ हो उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर गजरूपक, गज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, राजरूपक, राज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये रूपक का अर्थ हो गया। उसके बाद में दोस्तों वंशावली या फिर पीढ़ियावली। वंशावली का अर्थ होता है दोस्तों किसी वंश की सूचियां, विभिन्न वंश की जो सूचियां होती है उनको वंशावली कहा जाता है। विभिन्न वंश की जो सूचियां होती है उनको वंशावली कहा जाता है। उन सूचियों में वंश के आदि पुरुष से लेकर विद्यमान पुरुष तक की जानकारियां हमें देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने? वंशावली या फिर पीढ़ियावली का अर्थ होता है दोस्तों किसी वंश के या विभिन्न वंशों की सूचियां, और इन सूचियों से हमें उस वंश के आदि पुरुष, मूल पुरुष जिसने वंश की स्थापना की थी, उससे लेकर विद्यमान पुरुष तक की जानकारियां मिलती है। जैसे अमर काव्य वंशावली इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों वचनिका शब्द आपको बहुत सारी बार देखने को मिलता है। वचनिका का अर्थ क्या होता है इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। वचनिका दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, और वचनिका का अर्थ होता है दोस्तों गद्य पद्य में जो रचनाएं लिखी जाती है, गद्य प्लस पद्य में जो रचनाएं लिखी जाती है, गद्य और पद्य को मिश्रित करके जो रचनाएं लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? वचनिका कहा जाता है। दवावेत और वचनिका अलग अलग है दोस्तों। दवावेत में तो क्या होता है, गद्य और पद्य की जो तुकांत रचनाएं होती है उनको दवावेत कहते हैं, जबकि वचनिका का अर्थ है गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाएं। क्या कहलाती है दोस्तों? वचनिका कहलाती है। एक वचनिका काफी फेमस है, अचलदास खींची री वचनिका। इसके बारे में हमने बहुत सारी बार सुन भी रखा है। और आप भी अगर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर लंबे समय से नहीं कर रहे हो, एक दो साल से भी कर रहे हो, तो भी अचलदास खींचीरी वचनिका का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसके बाद में दोस्तों वेली कहाँ से आया है? ये संस्कृत के शब्द वल्लरी से वेली शब्द निकल कर आया है। संस्कृत भाषा के शब्द वल्लरी से वेली शब्द निकल कर आया है। और वेली का अर्थ है दोस्तों सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास की सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक घटनाओं का जहाँ पर उल्लेख मिलता है उसे क्या कहा जाता है? वेली कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपना लास्ट बट नॉट लिस्ट महत्वपूर्ण है विगत। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। विगत आपको कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे वचनिका महत्वपूर्ण है, रासो महत्वपूर्ण है, विगत महत्वपूर्ण है। लेक्चर जब समाप्त होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा क्या क्या तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने ही है ताकि आपकी समस्या उत्पन्न ना हो। विगत का अर्थ होता है दोस्तों किसी विषय का विस्तृत वर्णन। विगत का अर्थ क्या होता है? किसी विषय का विस्तृत वर्णन जिस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है उसको विगत कहते हैं। विगत में दोस्तों शासक के बारे में या फिर राजा के बारे में जानकारी होती है, राजा का जो परिवार होता है उसके बारे में भी जानकारी होती है, परिवार का कौन खास है उसके बारे में भी जानकारी होती है। इसके अलावा दोस्तों उस समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी
विगत में जानकारियां मिलती है। विगत का अर्थ होता है दोस्तों किसी विषय का जब विस्तार से वर्णन किया जाए किसी ग्रंथ में, तब उसे विगत कहते हैं। और विगत में किसी शासक, शासक के परिवार और उस परिवार के नजदीक कौन है, इसके अलावा उस समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। विगत में जो सबसे प्रसिद्ध विगत है दोस्तों वो आप सबको मालूम है कौन सी है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, जिसकी रचना किसने की है दोस्तों, मोहम्मद नेंसी ने की है। और इसी मारवाड़ा प्रगनारी विगत को मारवाड़ राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। और इसकी तुलना किससे भी की जाती है दोस्तों, अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से करते हुए मोहम्मद नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कह दिया जाता है। तो ये जो मोहम्मद नेंसी दोस्तों मारवाड़ राज्य का परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी है, मारवाड़ा परगनारी विगत मारवाड़ा परगनारी विगत की रचना जो दोस्तों किसने की है, मोहम्मद नेंसी ने की है। इसे मारवाड़ राज्य का गजेटियर कहा जाता है। और दोस्तों खास बात क्या है, ये जो मारवाड़ा परगनारी विगत है इसमें परगना यानी तहसील कौन से राज्य की तहसील, मारवाड़ राज्य की तहसीलों के बारे में बात हो रही है। तो मोहम्मद नेंसी ने दोस्तों अपने इस ग्रंथ में मारवाड़ राज्य के प्रत्येक परगने की आबादी, भूमि की रेख, भूमि और उस क्षेत्र में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, फसलों की स्थिति कैसी है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है आदि सभी का वर्णन भी किया है। हम कह सकते हैं दोस्तों सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन भी इनमें देखने को मिलता है, शासक के वर्णन के अलावा। और इनको क्या कहा जाता है, विगत कहा जाता है। एक अंतिम है दोस्तों अपनी विलास का अर्थ है दोस्तों जब सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जानकारियों के अलावा आमोद प्रमोद विषय भी जब ग्रंथ में शामिल कर लिए जाते हैं तब इसे कहा जाता है विलास। इसका उदाहरण है दोस्तों राजविलास, इसका उदाहरण है कौन सा, राजविलास इसका उदाहरण है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा रही है राजस्थानी भाषा साहित्य को हम पढ़ना चाह रहे थे लेकिन उसमें कुछ शब्दावलियों का बहुत सारी बार प्रयोग होता है, इस वजह से हमने पहले शब्दावलियों के बारे में चर्चा की। इसमें से आपको दोस्तों कुछ शब्दावलियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, जैसे विगत के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वचनिका किसे कहते हैं, इसके अलावा रूपक का अर्थ आपको पता होना चाहिए, रासों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मर्श्या का अर्थ आपको पता होना चाहिए, पर्ची क्या है, प्रकाश क्या है, प्रशस्ति क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बात किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दवा वेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ख्यात के बारे में आपको निश्चित तौर पर जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सेशन है, पर्टिकुलर लेक्चर है, आप सबको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य के ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।